Hello students, in this video we'll again do one more exercise on tens. So this is for the students of Haryana board, of like students from 9th to 12th. And in this word we are given verb in the sentence, and we have to fill the correct form of the verb. So we'll do one exercise, and this exercise has 17 sentences. We'll understand and solve, right? See, first one: when I dash a novel, I dash a novel when my friend came. मैं आपको रूल बताती हूँ स्टूडेंट्स. If we have two clauses, अगर हमारे दो clauses हैं और उसमें से एक क्लॉज past indefinite में होगा, past indefinite में होगा, तो हमारा दूसरा क्लॉज होगा past continuous. ये आपको याद करना पड़ेगा कि हमारे में दो क्लॉज हैं, मतलब दो सेंटेंसेस बना के एक सेंटेंस बनाएगा, क्लॉज वही होता है. तो अगर उन दोनों क्लॉज में से एक क्लॉज आपका पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरे क्लॉज में आपको पास्ट कंटिन्यूअस डालना है, मतलब वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये हमें याद करना पड़ेगा. सो ये आपका एक दिन है. अब देख कैसे फिट होता है. व्हेन आई डैश एन ओवर व्हेन माय फ्रेंड केम, जब मेरा फ्रेंड आया. दिस इज वी टू पास इंडेफिनिट. सो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पास कॉन्टिन्यूस. जब मेरा फ्रेंड आया मैं नोवेल पढ़ रहा था, राइट? सो आई वॉज रीडिंग. बेटा आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपकी जो बुक्स हैं आप खुद सॉल्व कीजिएगा. नेक्स्ट, आई डैश टू बेड लास्ट नाइट. मैंने इससे पहले आपको वीडियो अपलोड करी है पास इंडेफिनिट की, और उसमें हमने कहा था किसी सेंटेंस में लास्ट वर्ड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और हमने रूल दिया था याल इज वी टू. याल मीन्स यस्टरडे एगो एंड लास्ट. याल मीन्स यस्टरडे एगो एंड लास्ट. अगर आपके सेंटेंस में यस्टरडे है, एगो है और लास्ट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करेंगे. तो यहाँ पे देखो लास्ट है इसीलिए इसकी सेकंड फॉर्म आई वेंट. ठीक है ना, कल रात को मैं सोने गया, सेकंड फॉर्म. एट मिडनाइट आई डैश इन बेड. सो एट मिडनाइट, रात के समय में क्या हुआ, मैं जागता रहा. सो आई ले, क्योंकि यहां पे मैं टाइम दे रखा कि रात की बात है. एज आई डैश टू माय स्कूल आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड. लेकिन हमारा जो ये फ्रेज है, इस रूल में क्या होता है, उसमें से एक फ्रेज वैन में जरूर होना चाहिए. वैन जरूर होना चाहिए, लेकिन अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैन नहीं है. हमारा एक रूल क्या कहता है कि देयर शुड बी सेम टेंस बिफोर एंड आफ्टर एंड कनेक्टर से पहले. आप ये रूल सीखिएगा, एंड कनेक्टर से पहले जो टेंस होता है उस कनेक्टर के बाद भी हमें कोई टेंस लगाना है. मतलब एंड से पहले अगर क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूअस है तो एंड के बाद वाले क्लॉज में भी पास्ट कंटिन्यूअस आएगा. अगर एंड से पहले प्रेजेंट परफेक्ट है तो एंड के बाद भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा. मतलब अगर आपका एंड कनेक्टर है तो एंड से पहले वाले क्लॉज में जो टेंस है वही आप बाद में डालेंगे. या आप इसको उल्टा समझिए कि एंड के बाद क्लॉज में जो टेंस है पहले वाले में भी वो ही आएगा. ये रूल भी आपको याद करना पड़ेगा. अब हमें इसलिए आता है कि प्रैक्टिस करते हैं डेली. अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा. अब यहाँ देखते हैं, एज आई डैश टू माई स्कूल आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड. ठीक है, जब मैं स्कूल गया तो मैं दोस्त से मिला. जब मैं स्कूल गया तो दोस्त से मिला, तो पास्ट टेंस आ ना, एज आई वेंट. जब मैं स्कूल गया तो मैं दोस्त से मिला, राइट? नेक्स्ट, ही जंप आउट ऑफ द ट्रेन व्हाइल. अब यहां देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस आएगा. सो ही जंप आउट ऑफ द ट्रेन, उसने ट्रेन से जंप किया. कब किया? जब ट्रेन चल रही थी. सो व्हाइल इट वॉज मूविंग. हमने आपको रूल बताया था, अगर किसी वर्ड के एंड में ई है तो जब आप उसमें आई एन जी लगाएंगे तो ई को हटा देंगे. ठीक है ना, मूव के एंड में ई है, ई को हटा के आई एन जी लगाओ.
ट्रेन हमारी सिंगुलर है तो हमने बॉस लगाया, प्लूरल होता तो हम बॉर लगाते। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आई डिड नॉट सी दैट द टीचर स्टैंड बिहाइंड मी। अब यहाँ देखो डिड नॉट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन सेकंड फॉर्म है। तो आपके एक क्लॉज में आई डिड नॉट सी, ये आपका एक क्लॉज है आई डिड नॉट सी। आपका दूसरा क्लॉज यहाँ से है कि टीचर मेरे पीछे खड़ा था, टीचर मेरे पीछे खड़ा हो रखा था। सो द टीचर वॉज स्टैंडिंग, द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मैंने नहीं देखा, पास इंडेफिनिट, टीचर मेरे पीछे खड़ा हो रहा था, है ना, हो रखा था, तो वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। नेक्स्ट, इट डैश बिगिन टू रेन व्हेन वी मूव्ड आउट। सो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है बी टू। सो जब हम बाहर निकले तो बारिश शुरू होने लगी, जब हम बाहर निकले तो बारिश शुरू होने लगी। सो इट बिगैन टू रेन कब हुआ, व्हेन वी मूव्ड आउटसाइड, जब हम बाहर गए तो बारिश शुरू होने लगी, जब हम बाहर गए तो बारिश शुरू होने लगी, ठीक है ना। इट बिगैन टू रेन, आई हर्ड द चाइल्ड क्राई, मैंने सुना बच्चा रो रहा था। आई हर्ड, मैंने सुना, क्या सुना, बच्चा रो रहा था। आई हर्ड द चाइल्ड वॉज क्राइंग। अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो हियर इट इज पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है आपका, ही डैश हिज कार व्हेन आई वेंट हिज होम। ये देखिए व्हेन से स्टार्ट हो गया आपका क्लॉज, जब मैं उसके घर गया, जैसे मैंने आपको ये रूल बताया था, अगर आपके दो क्लॉज है उसमें से एक क्लॉज जो व्हेन से स्टार्ट हो रहा है अगर वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा क्लॉज आपका पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे देखो, जब मैं उसके घर गया व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, वो क्या कर रहा था, अपनी गाड़ी धो रहा था। सो ही वॉज वॉशिंग, यहाँ पे वॉश वर्ब रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ही वॉज वॉशिंग हिज कार व्हेन आई वेंट हिज हाउस, जब मैं उसके घर गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वो गाड़ी धो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। नेक्स्ट देखिए, He said that he write letter. अब यहाँ पे क्या है कि आपका अगर verb की second form as a verb है या अगर आपका said use हो रखा है तो आप वहां पे past perfect use करेंगे, past perfect, we do के साथ past perfect, ये भी आप करेंगे। जब दो क्रियाएं पास्ट की हैं तो उसमें से एक पास्ट इंडेफिनिट है, तो जो उसमें पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट है, जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट, जो उसके बाद होगा वो पास्ट इंडेफिनिट, राइट। पास्ट की दो क्रियाएं, अब हमें ये देखना है जो काम पहले हो जाएगा उसमें पास्ट परफेक्ट लगाना है, जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अभी जो रूल्स है आपको इंडिविजुअली अपने नोटबुक्स में लिखना चाहिए, अलग से आप रूल्स का एक पेज बनाओ और उन रूल्स को वहाँ पे लिखो और रोज सुबह अपने रूल्स को एक बार बस पढ़ना है, आपको याद नहीं करना, अगर रोज सुबह इस पेज को देखोगे आपको ऑलरेडी समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ही सेड, उसने कहा, उसने कहा, पास में चला गया, क्या कहा उसने, वो लेटर लिख चुका था, तो लेटर तो मतलब बोलने से पहले वो लेटर लिख चुका था, सो ये मतलब काम पहले हुआ, तो हैड रिटर्न। He said, उसने कहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और लेटर लिखने का काम तो पहले से पहले हो चुका है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट। He said that he had written. लेटर, उसने कहा कि वो लेटर लिख चुका था। नेक्स्ट, मोहन डैश होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। देखो बारिश हुई है तो वो कह रहे हैं मोहन रीच होम बिफोर, मतलब पहले, बारिश होने से बिफोर होम, बिफोर मोहन रीच होम, तो पहले क्या काम हुआ, मोहन घर जा चुका था, उसके बाद बारिश हुई है। अब यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये काम बाद में हुआ, पहला काम क्या हुआ है कि मोहन घर जा चुका था,
So Mohan had reached. Mohan had reached home. Mohan घर जा चुका था before it started raining. बारिश होने से पहले. अभी बारिश तो हुई है लेकिन बारिश होने से पहले मोहन घर जा चुका था. तो ये पास की दो एक्टिविटी है, जो पहले खत्म हुई उसमें पास्ट परफेक्ट, जो बाद में खत्म होगी उसमें पास्ट इंडेफिनिट. ये रूल क्या कहता है कि आपके दो क्लॉज है उसमें से एक क्लॉज अगर वेन क्लॉज है और उसमें पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरे क्लॉज में होगा आपका पास्ट कंटिन्यूस. एक होगा पास्ट इंडेफिनिट, एक होगा पास्ट कंटिन्यूस. नेक्स्ट देखिए, she said that she bears the prize. उसने कहा, verb की second form है, उसने कहा कि वो prize जीत चुकी है. अब जब उसने कहा होगा तो prize तो वो उससे पहले जीत चुकी होगी. वो घर आएगा, पापा देखो मैंने prize जीत लिया. तो हमने कहा उसने कहा था, said का मतलब कहा था, उसने कहा था कि वो prize जीत चुकी थी. तो कहने से पहले क्या हुआ है, prize जीत चुकी थी. तो हमारा she said that she had won the prize. ये उसने बाद में बोला है, पास इंडेफिनिट. पहले क्या काम हुआ, पहले उसने प्राइज जीता है, फिर वो घर आई है, फिर उसने बोला है कि देखो मैं प्राइज जीत चुकी थी. नेक्स्ट, आई सॉ पुलिसमैन डैश ए थीफ. ये देखिए पास इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरा क्या होगा पास कंटिन्यूअस. मैंने देखा कि पुलिस क्या कर रही थी, मैंने देखा पुलिस चोर को पकड़ रही थी. मैंने देखा, आई सॉ, पुलिस चोर का पीछा कर रही थी. चेस का मतलब होता है पीछा करना. तो आपका एक क्लॉज हो गया पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरा क्या होगा पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस पुलिस, आई सॉ द पुलिस मैन. अब देखिए ये मैन है, एम ई एन है, तो हमें वर्ब लगाना है. अगर ए होता तो हमने वर्ब लगाना था. सो पुलिस मैन वर्ब. सो आप इसको बहुत ध्यान से देखना, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. नेक्स्ट है, I dash my lunch when the postman came. देखो बच्चों कैसा क्लॉज है, when the postman came, verb की सेकंड फॉर्म, past indefinite. तो यहाँ पे past continuous आएगा, जब postman आया मैं खाना अपना लंच ले रहा था. ऐसे होगा ना, जब postman आया मैं अपना लंच ले रहा था. सो when क्लॉज के साथ verb की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरे क्लॉज में क्या होगा past continuous. सो I was having, I was having. देखिए have में ई है, ई को हटाया हमने, ing लगा दिया. I was having my lunch. Past continuous हो गया. और कब हुआ, जब postman आया, past indefinite. Next देखिए, a thief dashed into the house last night. देखो last word आ गया. ये मैंने आपको कहा है, yarn is be to. मतलब yesterday, ago और last अगर होगा sentence में तो verb की second form. आप इसे याद करो, yarn is be to. ठीक है, अब सेंटेंस में लास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन. सो अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट. एक चोर घर के अंदर घुसा, देखो घुसा है ना, एंटर किया. आई डैश ऑन द रूफ व्हेन डैश रेनिंग. सो मैं मतलब जब बारिश हुई तो मैं छत पे सो रहा था. मैं छत पे सो रहा था जब बारिश हुई. सो आई वॉज स्लीपिंग. कब सो रहा था, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. देखिए ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और आपके व्हेन से स्टार्ट है, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश हुई तो मैं क्या कर रहा था, मैं छत पे सो रहा था. बेटा बहुत इजी होता है, अगर दो चार ही प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं क्लॉज की अगर हम बात करें तो. अगर हमें दो चार वर्ड्स रूल्स को याद करेंगे तो क्लॉज में यही आता है. इतने साल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं एक और सेट आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, उसमें हम दोबारा इन एक्सरसाइज को करेंगे और मैं आपके 10-15 सेंटेंसेस लेके आऊँगी तो हमें और अच्छे से याद आएगा. अभी लास्ट सेंटेंस देखिए आज क्या है, वी अंडरस्टैंड द पोएम. आफ्टर द टीचर हैड एक्सप्लेन, टीचर की एक्सप्लेन करने के बाद हमें पोएम समझ आई. टीचर की एक्सप्लेन करने के बाद तो पहला काम क्या हुआ, टीचर ने एक्सप्लेन किया, फिर हमें पोएम समझ में आई. तो मैंने कहा था हमारे पास की दो एक्टिविटी है, जो पहले खत्म हो जाएगी वो पास्ट परफेक्ट है और जो बाद में खत्म होगी वो पास्ट इंडेफिनिट है. तो पहले टीचर ने समझाया इसीलिए हैड आया पास्ट परफेक्ट, और फिर हमको समझ में आई पोएम. तो ये आपका क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, वी
अंडरस्टूड, वी अंडरस्टूड का पर्स, हमें पर्स समझ में आई, कब आई? आफ्टर द टीचर एक्सप्लेन, टीचर ने एक्सप्लेन करने के बाद, टीचर के एक्सप्लेन करने के बाद, तो पहला काम क्या हुआ, टीचर ने एक्सप्लेन किया, बाद में क्या हुआ, हमें समझ में आया। सो ये रूल भी आपका यही कहता है कि अगर आपके पास की दो एक्टिविटी है तो जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनेट। हमारे पास्ट में ये ही दो क्लॉजेस आते हैं, अगर हम बात करते हैं हरियाणा बोर्ड और 9th-12th के स्टूडेंट्स की, तो यही दो क्लॉजेस हैं और हमें बस ये याद रखना है कि पास्ट कंटिन्यूस के साथ पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के साथ पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, यही दो हमारे क्लॉजेस के रूल्स होते हैं। सेकेंड तो बहुत ईजी है, यस्टरडे एगो और लास्ट होगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो स्टूडेंट्स आपने इसको समझा है, अब आप अपना बुक ओपन कीजिए और अपनी नोटबुक में बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी हेल्प के खुद ही करना करके देखो उस चीज़ को और फिर अपने आंसर्स को टैली करना। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताइएगा, आई विल हेल्प यू। थैंक यू।